वेलकम टू माय चैनल बैंक निफ्टी लवर्स माय फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक स्कैनर देने जा रहा हूँ। बहुत ही बेहतरीन स्कैनर है जिससे कि आप जिसकी मदद से आप एक बेहतरीन रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं कुछ ही दिनों में या इंट्राडे में, और बहुत ही आसानी से आपको ये रिटर्न मिल जाएगा। इस स्कैनर को मैंने जो यूज़ किया है उसमें वही स्टॉक्स होंगे जो कि 150 रुपीज़ के नीचे ट्रेड कर रहे हैं, यानी उनकी जो क्लोजिंग प्राइस है वो 150 रुपये के नीचे है। तो छोटे स्टॉक्स होंगे, तो छोटे स्टॉक्स जो है रिस्की ज़रूर होते हैं, लेकिन जब वो बढ़ते हैं तो बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं और आपको एक बहुत ही अच्छा रिटर्न दे देंगे कुछ ही दिनों में। तो उन्हीं स्टॉक्स को खोजने का मेरा प्रयास है और ये स्कैनर मैंने इसीलिए बनाया है। तो चलिए देखते हैं क्या है जो स्कैनर। तो मैं आपको अपने स्क्रीन पे ले आता हूँ। तो देखिए, मैंने इसका नाम रखा हिडन जेम्स स्टॉक स्कैनर, यानी कि छुपे रुस्तम, जो कि मतलब ऐसे हीरे जो आपको पता नहीं है कि जो आपको बहुत ही बेहतरीन रिटर्न दे सकते हैं, उनका खोजने के लिए ये स्कैनर है। तो बेसिकली इसमें मैंने वही प्राइस और वॉल्यूम का यूज़ किया है और लास्ट में मैंने एक सुपर ट्रेंड का यूज़ किया है। तो जो पहला जो मेरा फिल्टर है, लेटेस्ट क्लोज क्रॉस्ड अबव वन डे, वो मतलब पिछले मैक्सिमम 50 दिन का हाई के ऊपर क्लोजिंग होना चाहिए। फिर दूसरा है पिछले 100 दिन के ऊपर, ये जो आज का क्लोजिंग है उसके ऊपर होना चाहिए, पिछले 100 दिन के पीरियड के हाई के ऊपर आज का क्लोजिंग होना चाहिए। तीसरा मेरा जो क्राइटेरिया है, पिछले 200 दिनों के क्लोजिंग के ऊपर मेरा क्लोज होना चाहिए, हाई के ऊपर मेरा क्लोजिंग होना चाहिए, यानी कि 50, 100 और 200 की हाई, पिछले हाई एक दिन पहले के ऊपर मेरी आज की क्लोजिंग होनी चाहिए। उसी तरह वॉल्यूम भी जो है, लेटेस्ट वॉल्यूम क्रॉस अबाउट वन डे अगो मैक्सिमम 50 पीरियड वॉल्यूम, जो पिछले 50 दिन का जो हाई वॉल्यूम है पिछले 50 दिनों में उसके ऊपर मेरा आज का वॉल्यूम होना चाहिए। उसी तरह पिछले 100 दिनों के वॉल्यूम के ऊपर मेरा आज का वॉल्यूम होना चाहिए और पिछले 200 पीरियड के वॉल्यूम के ऊपर मेरा आज का वॉल्यूम होना चाहिए। वन डे अगो लिखा हुआ है ताकि नेक्स्ट डे मैं ट्रेड कर पाऊँ। तो इससे मुझे जो स्टॉक्स मिलेंगे वो मुझे एक दिन पहले मिल जाएंगे और मैं उसको अगले दिन ट्रेड करूँगा। तो दूसरा जो फिल्टर है, जो लास्ट जो मैंने सुपर ट्रेंड वाला बोला है, वो मैंने लिखा है कि जो लेटेस्ट क्लोज है वो सुपर ट्रेंड 10-3 सेटिंग 10 पीरियड 10 मल्टीप्लायर 3 के ऊपर क्लोज होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट फिल्टर है। सुपर ट्रेंड आपको पता है कि एक ट्रेंडिंग इंडिकेटर है, ट्रेंड पकड़ने के लिए ये इंडिकेटर का यूज होता है। तो वॉल्यूम और प्राइस में तो हमने देख लिया कि ऊपर होना चाहिए सभी मूविंग एवरेज 50, 100 और 200 के ऊपर, उसी तरह वॉल्यूम भी 50, 100 और 200 पीरियड के ऊपर होना चाहिए। और जब आपको सुपर ट्रेंड भी ऊपर मिलेगा तो डेफिनेटली वो स्टॉक रॉकेट बनेगा। और जो लास्ट फिल्टर मेरा जो यूज़ किया है मैंने, वो होगा जो क्लोजिंग प्राइस है उसकी 150 रुपये के नीचे होनी चाहिए, 150 के नीचे। तो देखिए साथियों, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें देखिए, ये मेरे स्टॉक्स आ गए, इतने सारे स्टॉक्स हैं 9 मंथ्स में। इसका मैंने ये जो है CV डाउनलोड किया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ 18 स्टॉक आए, ये 19 है, एक नंबर ये सीरियल नंबर वगैरह है, तो इस वजह से डेट सिंबल में यूज हुआ है। तो 18 स्टॉक आए 9 महीने में, यानी अप्रोक्सीमेटली एक महीने में 2 स्टॉक मिलेंगे आपको, जो पिछली हिस्ट्री है उसके हिसाब से कह रहा हूँ। तो देख सकते हैं, अब मैं आपको एक एक करके इसको बैक टेस्ट करके दिखाता हूँ। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन आपकी तसल्ली हो जाएगी और आप उसको अगर यूज करेंगे डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। देखिए, 18 नवंबर 2020 को यह आया था HFCL।
देखिए कितने का स्टॉक है, मैं आपको बताता हूँ, 18 नवंबर, तो 19 को हमें ट्रेड करना था। ये देखिए, एक मिनट, देखिए 18 नवंबर, तो आप देख सकते हैं ये हमारा 18 तारीख का है। देखिए तो ये 18 तारीख का हाई आप नोट कर लीजिए, 19 रुपीज 80 पैसा। ये देखिए सुपर ट्रेंड है ये 10-3 का। तो जब भी ये प्राइस 19 रुपीज 80 पैसे के ऊपर जाएगा, आपने बाय डालना है। तो 19 रुपीज 80 पैसे के ऊपर हमने बाय डाला और इसने देखिए 34.65 का हाई मारा 15-1 को, 15 जनवरी को, और ये हमारा मिला था नवंबर में, मिड नवंबर में। तो ऑलमोस्ट 2 मंथ्स में ये पैसा डबल हो गया आपका, देख सकते हैं। यहाँ पे इसका बाइंग था 1690, मतलब 17 रुपीज भी पकड़ो तो 34 रुपीज होता है। देखिए 34.65 हो गया 2 महीने के अंदर। तो ये है इसकी पावर। अब मैं आपको दूसरा स्टॉक दिखाता हूँ, देखिए जरा जल्दी जल्दी करना पड़ेगा साथियों। तो चलो मैं कुछ स्टॉक दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए अब दूसरा स्टॉक दिखाता हूँ आपको। ये था जीपीटी इंफ्रा, 28/12, 28 दिसंबर को ये मिला था। ये देखिए 28 दिसंबर को, सॉरी ये देखिए, जैसे ये इसका ब्रेक हुआ, आपने बाई किया, कितने पे बाई किया, 44.20। यहाँ पे देखिएगा 44.20, ये सुपर ट्रेंड भी ऊपर है। देखिए कितना हाई मारा, 51.65, तो 44 फोर 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 रुपीज 40 पैसा, इसका 10% होता है। तो इसके ऊपर काफी चला गया ये, लगभग आपको आपने बाई किया 44.20 और ये गया आपका 6-7 रुपये, 8 रुपये का लगभग रिटर्न दिया है। तो 20%, 15-20% मान के चलो ये आपको मिल गया। जल्दी जल्दी कर रहा हूँ दोस्तों, टाइम लगेगा इसलिए फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। ये रेन इंडस्ट्रीज है, एक एक जनवरी को, देखिए 1 जनवरी को क्या हुआ है। अभी देखिए 130 रुपये का स्टॉक है, देख सकते हैं आप, और इसने हाई मारा है 155 रुपये का। देखिए 130 रुपये का 155, ऑलमोस्ट 7-8% तो दे ही दिया, देख सकते हैं आप। इसके बाद आपको मैं दूसरा स्टॉक दिखाता हूँ। रेन के बाद ये रेनी है, ये वाला रिको ऑटो दिखाता हूँ। रिको ऑटो का क्या डेट है साहब, 5-1, रिको ऑटो 5-1, ये देख सकते हैं आप, 5-1, 40 रुपया 50 पैसा इसने हाई मारा, कितना, 41 रुपया। तो इसमें यहाँ पे आपको ज्यादा रिटर्न नहीं मिला, 40 रुपये, 1 रुपया बढ़ा है, 2% का इसने भी दे दिया, 2-2.5%। इसके बाद ये स्टॉक गिर गया, तो कहीं कहीं आपको नुकसान भी होगा। ये कोई 100% नहीं कि ये जैन, मतलब श्योर शॉट है। कभी कभी आपका एक आधा स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है। तो मान लो यहाँ पे आपका 4-5% का स्टॉप लॉस भी हिट हो गया तो भी कोई कम नहीं। तो इसके बाद मैं दूसरा दिखाता हूँ आपको, RVNL। RVNL कितना तारीख था, 5 तारीख, 5 तारीख, 5 तारीख, 5 तारीख को RVNL, ये देखिए, ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए इसका हाई 28 रुपये 40 पैसा, इसका हाई मारा देखो 35 रुपये। देखो कितना बेहतरीन रिटर्न दिया कुछ ही दिनों में, कितना था देखिए, 28 रुपये 40 पैसा, और ये ऑलमोस्ट देखिए आपको 20% का रिटर्न यहीं पे मिल गया आपको। मैं जरा जल्दी जल्दी आपको बताऊंगा ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो। ये शंघाई इंडस्ट्रीज है, इसका तारीख देखते हैं दोस्तों, 8-1, 8 जनवरी, 8-1, 8-1, ये वाला है 8-1। देखिए 38 रुपया 90 पैसा, 38 रुपीज 90, और 40, ऑलमोस्ट 10% रिटर्न। देखिए 1 रुपया 10 पैसा यहाँ मिला और 2 रुपया, ठीक 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 10% से ऊपर का रिटर्न मिला, संगा इंडस्ट्रीज हो गया। इसके बाद ये वाला देखते हैं कौन से है, 12 RCF, 12
एक आर सी एफ 12 एक 12 एक 12 एक 12 एक ये वाला है क्या 12 एक। ये देखिए यहाँ पे ट्रेड मिला, लेकिन ये देखिए इसका ब्रेक नहीं हुआ है, तो यहाँ पे कहाँ पे, यहाँ पे जाके ब्रेक हुआ, उसके बाद देखो कैसे शूट अप हुआ। ये जो है इतना दिन तक आपको चैनल में ही चला, लेकिन सुपर ट्रेंड के नीचे नहीं आया, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आपने करिए तो बहुत लंबा हो गया, फिर भी अगर 60 रुपीज 80 पैसे के ऊपर बाई किया होता तो देखो जो स्ट्रैटेजी है वो बता रहा हूँ, तो देखो 100 रुपीज का हाई मारा। तो ये राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर और जय एग्रो है क्या, ये 12 जनवरी को, 12 ये देखिए 145, 145, ये देखो ये यहाँ पे आप बाई करते 145 को, यहाँ पे अगर जैसे आपने बाई किया तो देखिए यहाँ पे सुपर ट्रेंड के नीचे आया नहीं, क्लोजिंग कहीं नहीं दिया, देखो फिर ऊपर ही गया है, तो अभी यहाँ पे आपको ज़्यादा रुकना पड़ता खैर, लेकिन फिर भी आपको 195 50 रुपये यहाँ पे थी, 30% का रिटर्न यही दे दिया उसने। देखो 150 का स्टॉक, 150 का स्टॉक और ऑलमोस्ट 195, 45 रुपीज, तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 30% का रिटर्न, अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूँ। और ये वाला देखते हैं, वर्धमान पॉली, वर्धमान पॉली अब देखो 18 तारीख का है, 18/2 का वर्तमान पॉली है, देखिए 18 तारीख है, 18/2 है, 17/2 है, 18/2 है, चलिए 18/2 पे देखते हैं, ये 18/2 है, 18/2 पे 17 रुपये 85 पैसे था, ये देखो हाई कितना मारा, 10 रुपया बढ़ गया, 18 रुपये का 10 रुपये बढ़ गया, ऑलमोस्ट 50% रिटर्न कितने दिन में। स्कैनर अगर आप यूज करेंगे तो डेफिनेटली आपको फायदा होगा। चलो कुछ कुछ दिखाता हूँ मैं जल्दी जल्दी, जे कॉर्प 2/3 यानी 2 मार्च, 2 मार्च को हमने इसमें ट्रेड किया होता, ये देखो 2 मार्च, लेकिन ये हाई टूटा ही नहीं है, देखिए ऊपर ट्रेंड के ऊपर है लेकिन हाई टूटा नहीं, तो ट्रेड बना ही नहीं, तो ऐसा भी होगा कभी, ट्रेड बनेगा भी नहीं। मैं मतलब सारे निरीक्षण जरा पॉसिबल है, आप लोग खुद ट्रेड किया है, जेएमए, जेएमए ये देखिए 7/4 यानी कि अप्रैल, 7 अप्रैल जलंधर मोटर एजेंसी, 7/4 ये देखिए ये वाला है, 39 रुपीज 75 पैसा, ये देखो हाई कितना मारा, 47 रुपीज, सीधा सीधा 15% का रिटर्न एक ही कैंडल में, यहाँ से सीधा यहाँ देखो जलंधर वाला हो गया। और एक तो और दिखाता हूँ, त्रिवेणी 15/4 त्रिवेणी, ये देखो त्रिवेणी 15/4 101 रुपये का स्टॉक और अभी तक चल ही रहे ऊपर, 160 रुपये दे दिया, मतलब 160% का रिटर्न इधर ही मिल गया आपको त्रिवेणी। और एक दो दिखाता हूँ, उगर शुगर, ये देखिए उगर शुगर, उगर शुगर कितना तारीख है भाई, 29/4, 29/4, तो ये देखिए 2180 रुपीज का हाई है, देखिए कितना मारा, 35, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 40% का रिटर्न, 50 अगर यहाँ पे अगर मैं मानूँ तो भी 21 22 रुपया मानूँ तो 22 तो 44 होता है, लेकिन ये 35 का है, फिर भी 15% का अप्रोक्सीमेटली रिटर्न। और अभी एक लास्ट स्टॉक दिखा देता हूँ आपको, जो लास्ट आया था, सारा मैंने किया है लेकिन फिर भी आपको मैक्सिमम दिखा दिया मैंने, श्रीएस 5/5, श्रीएस 5 मई को, ये देखिए, ये देखिए ये वाला स्टॉक है, 97 रुपीज 85 है, तो यहाँ पे गैप अप खुला, तो ओपनिंग प्राइस पे हमने बाय कर लिया,
105 पे बाई किया, 114 पे, ऑलमोस्ट 10 रुपये का आपको नियरली 8-9% का रिटर्न, 8% का रिटर्न एक ही दिन में। तो ये मेरा स्कैनर है, तो दोस्तों मैं इसी तरह के स्कैनर आपको फ्री फ्री में बना के दूंगा, लेकिन सिर्फ आपसे एक ही गुजारिश है कि मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, और आने वाले समय में इसी तरह के अच्छे अच्छे स्कैनर जो आपको पैसे देके खरीदने पड़ते हैं, कई लोग बेचते हैं इसको, तो वो ना करते हुए सिर्फ आपसे मेरी गुजारिश ये की है कि मैं अपस्टॉक का एक वर्किंग पार्टनर हूँ, मैं आपसे और कुछ नहीं चाहता, केवल मेरे अंडर आप एक अकाउंट खोल लीजिए, डीमैट अकाउंट। तो मैं आपको ये जितने भी स्कैनर है मेरे पास, मैं आपको समय समय पर देता रहूँगा अपने क्लाइंट्स को। वैसे तो फ्री मैंने दे ही रखे काफ़ी लोगों, लेकिन फिर भी उनके लिए मेरे पास प्रीमियम स्कैनर है, तो वो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा, सिर्फ आप मेरे अंडर अकाउंट खोलें, यही मेरी आपसे गुजारिश है, विनती है। तो आशा करता हूँ कि ये हिडन जेम्स, छुपे रुस्तम स्टॉक्स फाइंडर या स्कैनर आपके आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में मदद करेगा आपको एक डिसेंट रिटर्न कमाने का। और आप लोग मेरे, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक ज़रूर करें, उस पर कमेंट ज़रूर करें, अपने साथी दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, और उसका सही समय पर उपयोग करें। और साथ ही साथ एक डिस्क्लेमर भी देना चाहूँगा कि मैं एक सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ, ये मेरे जो स्कैन्स हैं ये मेरे अपने व्यूज़ हैं, अपनी एनालिसिस है, अपनी डिसीजन है। तो जब आप इस पर ट्रेड करोगे तो वो आपका डिसीजन होगा, तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की एडवाइस ज़रूर लें किसी भी स्टॉक में निवेश करने से पहले, क्योंकि स्टॉक मार्केट में रिस्क इन्वॉल्व होता है, और इसका जो जोखिम होगा नुकसान उठाने का या फायदा कमाने का, ये आपका होगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करता हूँ, और मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में जल्दी ही, कुछ नया, कुछ अच्छा, कुछ फायदेमंद लेकर। तब तक के साथियों धन्यवाद, आप वीडियो देखने के लिए आप लोगों का शुक्रिया, और मिलूंगा जल्दी ही। ओके बाय फ्रेंड्स।